नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि समय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त पौधा से परिचित कराने वाला हूं, जो आपके शरीर को हमेशा फिट और हेल्दी रखेगा। इससे आपके मसल्स भी बढ़ेंगे और आपके शरीर का जो बॉडी बनाने की इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में अंत तक। आज मैं आप लोगों को इस पौधे के सारे गुणधर्म बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप हमेशा इसी तरह की वीडियो देखने को मिस ना कर पाएँ और देखते रहें और हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इस बहुत ही चमत्कारी औषधीय पौधा के बारे में। आप दोस्तों, यह वह जड़ी बूटी पौधा है जो हमारे शरीर के सभी ग्रोथ अंगों को, सभी मसल्स बनाने वाली कोशिकाओं को, उनकी जो गांठें होती है उनको फिर से खोल करके, एक्टिव करके, उनको जिंदा करके, फिर से उनको जीवित करके हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है और मसल्स बनाने के लिए सहायक होता है। तो आप इस जड़ी बूटी पौधे को देख कर के अच्छे से पहचान लीजिए। इसके सर से लेकर पांव तक कांटों से भरा हुआ होता है और जहाँ जहाँ कांटे होते हैं वहाँ वहाँ पत्ते भी होते हैं, और इसके पत्तों को आप देख कर के पहचान लीजिए, क्योंकि इसमें अभी फल फूल नहीं आया है। जब फल फूल आएगा तो इसके फल फूल के दर्शन कराने के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अच्छे से पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है वे लोग तो इसे पहचानते होंगे। इसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी आम देहाती भाषा में मकुइया का पौधा कहा जाता है, मकुइया कहा जाता है। और आयुर्वेद रसायन शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्रों में इसे केतुक का पौधा कहा गया है। तो आप एक बार और सुन लीजिए, इसे केतुक का पौधा कहा गया है। बहुत ही खास पौधा है यह हमारे शरीर के ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे केतुक का पौधा कहा गया है। तो आप इसे देख करके पहचान रहे होंगे। अगर अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हैं तो इसके जो बड़ा वाला पौधा है उसको अगर दिखाने के लिए बोलोगे, जो बड़े बड़े वृक्ष के ऊपर इसकी जो शाखाएं होती है वो लताओं की तरह उसमें चढ़ी रहती हैं, तो उसको भी मैं दिखा दूंगा कभी, अगर इसका पहचान ना कर पाओगे तो। तो आज इस पौधे को दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे नदी किनारे में अभी बैठा हूँ मैं, तो छोटा सा पौधा नज़र आया तो मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो आप इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए और इसकी जानकारी को जान लीजिए। तो दोस्तों, इस पौधे को आप जान गए कि इसके नाम क्या क्या हैं, और मैं आप लोगों को इसके जो पत्तियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं और इसकी जो छाल हैं, इन सब के फ़ायदे आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को ख़त्म होने के बाद शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हर कोई इसके फ़ायदे ले सके और खुश रह सके। तो चलिए बताते हैं इसके सभी फ़ायदे बारी बारी से। दोस्तों, यदि आप इसके पत्ते को चबा करके सेवन करते हो, इसके पत्ते को चबा चबा करके प्रतिदिन खाते हो, तो आपके मुख के जितने भी रोग हैं वह समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपके मसूड़े स्वस्थ भी नहीं हैं तो वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। दांत हिल डुल रहे हैं तो उसका हिलना डुलना भी बंद हो जाएगा। दांत से खून निकलता है तो अभी खून निकलना बंद हो जाएगा। और इसकी पत्तियों का चबा करके खाने से आपके जो मसूड़े के छाले रहते हैं, मुख के छाले रहते हैं, वह भी ख़त्म हो जाएगी। दुर्गंध जो आता है मुख में वह भी ख़त्म हो जाएगी। कहा जाए यह मुख के सारे रोग को ख़त्म कर देता है। इसके पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके पत्तियों को कच्चे इस्तेमाल कर सकते हो, या बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की औषधि है। और इसके पत्ते का काढ़ा बना करके यदि आप सेवन करते हो तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, आपके शरीर को एक नई ऊर्जा बल मिलती है। तो आप इसके पत्तों का जैसा चाहे वैसा सेवन कर सकते हो, या बहुत ही अच्छा औषधीय गुण है इसमें पत्ते में। और इसके पत्ते को चबाने से कसैला लगता है दोस्तों। यह बेर नहीं है, लेकिन बेर प्रजाति का है, जंगली बेर भी नहीं है ना देहाती बेर है। यह बेर का प्रजाति का पौधा है, जिसकी शाखाएं जो है लताओं की भांति बड़े बड़े वृक्ष में चढ़ी रहती हैं, और इसके सर से लेकर पांव तक के कांटों से भरा हुआ रहता है। तो आप इसे देख करके पहचान लीजिए। अभी मैं छोटा पौधा दिखा रहा हूँ, बाद में इसका बड़ा वाला दिखा दूँगा अगर पहचान ना कर सकोगे इस पौधे से तो। दोस्तों, अब इस कांटों से भरा हुआ केतुक पौधा यानी कि मकुइया के पौधा की जो छाल होता है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है हर किसी के लिए। तो आप इसके छाल को निकाल करके इसके काढ़े बना करके सेवन कर सकते हो। यह उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, यह काढ़ा उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोगों के हाथ पैर कांपते रहते हैं, कमजोरी के चलते उनके नसों में कमजोरी आ जाए रहती है, जैसे बहुत लंबे समय तक बुखार रहता है उनके बाद,
उसके बाद जो कमजोरी आती है तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए इसके छाल का प्रयोग किया जाता है, और जो कंपन बात होता है जिसमें हाथ पैर कांपते रहता है उनको दूर करने के लिए ठीक किया जाता है। कुल मिलाकर के यह नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसके छाल का प्रयोग। तो आप भी निसंदेह इसके छाल का प्रयोग करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और आपके शरीर को एक नई ऊर्जा बल मिलेगा। आप इसके प्रयोग करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इसका वीडियो बहुत पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं पहले इसको आयुर्वेद में पढ़ने के बाद इसका जो रिजल्ट है उसको देखना चाह रहा था। तो अपने आसपास के दोस्तों, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उनको मैंने इसको काढ़ा बना करके इसका जो रिजल्ट है उसको देख रहा था। तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, इसका प्रयोग हम लोगों ने कर चुके हैं और आप भी इसे करके फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों इसके फल के बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। इसके फल जो है छोटे छोटे मटर के समान होते हैं, अभी तो फ़िलहाल इसमें नहीं आया है और जब आएगा तो मैं इसका वीडियो और बना दूँगा, और जब आया था तो इसका वीडियो नहीं बना पाया, आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि मैं उस समय इसके फल का सेवन करके अपने दोस्तों को सेवन करा के इसका रिजल्ट देख रहा था। जानकारी तो मुझे बहुत पहले थी, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता था, खुद अनुभव करना चाहता था कि जो लिखा गया है वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। मैंने जो वेद शास्त्र में आयुर्वेद शास्त्र में देखा है उसका जो सच्चाई कितना है, ये सब चीज़ मैं देखना चाहता था। तो बहुत ही गजब का रिजल्ट मिला हम लोगों को। हम 6-7 लोग हैं जिसने इसका प्रयोग किया है और इसका रिजल्ट देखा है, तो आप भी इसे रिजल्ट देख सकते हो, बहुत ही गजब का है। अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपको इसमें 3 प्रकार का स्वाद मिलेगा, खट्टा, मीठा और कसैला। ये तीनों चीज़ आपको इसका सेवन करने से पता चलेगा, तो आप इसके सेवन कर सकते हो। इसके सेवन से दोस्तों आपके वीर्य की जितनी भी खराबियां हैं वह दूर हो जाएगी, आपकी वीर्य शुद्ध हो जाएगा और वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप नामर्द से मर्द हो जाओगे और किसी का भी बच्चा पैदा कर सकते हो और निसंतान दंपत्ति को संतान की सुख दिला सकते हो इसके फलों को सेवन करा के, इसके फलों को सेवन करने का उपदेश दे करके। तो दोस्तों इस तरह से यह फल कार्य करता है, आपकी जितनी भी मसल्स की कोशिकाएं हैं उनको खोल देता है और फिर से पुनर्जीवित करके आपके सीना चौड़ा कर देता है और आपके मसल्स को बाहर निकालता है। तो इस तरह से यह फल बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का है, आप इसे इस्तेमाल करके हमेशा हेल्दी और फिट रह सकते हो, अपनी फिटनेस को बना सकते हो, हमेशा के लिए तंदुरुस्त रख सकते हो अपने शरीर को। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों, जब इसके फल आएगा तो मैं इसके फल को दिखा दूंगा, उस टाइम इसके और जानकारी आपको बताऊंगा। इसकी जानकारी आज के लिए बस इतना है कि आप इसके फलों की जानकारी इतना ही जान लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।